श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स। हमारा शोरूम सालियाना चौक पंडरुकी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट, वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंडरुकी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल से लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आने वाले दिनों में कुछ एक जिलों में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकते हैं। देखिए, जो मौसम तो अभी शुष्क हमारे पास चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो फिलहाल हमारे पास थोड़े सामान्य और सामान्य से थोड़े से अभी चल रहे थे। जो आने वाले दिनों में ग्रेजुअल फॉल होने के चांसेस हैं। लगभग अगले 4 से 5 दिनों में लगभग 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्स में गिर सकते हैं। एक WD और 14 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, तो 14-15 तारीख में फिर हमारे पास पुनः एक बार जो है यही चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति में फिर से एक बार हल्की फुल्की बारिश और ऊंचाई इलाकों में हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है। देखिए, जो फॉग की आपकी सिचुएशन है, मुख्यतः जो भाखड़ा डैम है हमारे पास, उसके आसपास जो है मॉर्निंग में विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर गिर जा रही है, जो कि आप कह सकते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का है, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वायर है, पानी आपके पास सफिशेंट अमाउंट में है, और इस वजह से मॉर्निंग आवर्स में हवा कम चलने से और मॉइस्चर की सफिशेंट अवेलेबिलिटी होने से लास्ट 3 से 4 दिनों से वहाँ पर डेंस फॉग हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है। बाकी जो हिमाचल प्रदेश है उसमें मॉर्निंग आवर्स में थोड़ी विजिबिलिटी गिर रही है और हेजी कंडीशन बनी हुई है, जो समय के साथ हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो जो रिजर्वायर के आसपास का इलाका है, भाखड़ा डैम के आसपास का, वहाँ पर मॉर्निंग आवर्स में वेरी डेंस फॉग अगले 3 से 4 दिनों तक रह सकता है, और कोई ऐसी वार्निंग नहीं है, सिर्फ येलो कलर में है, कोई उसमें खास सिग्निफिकेंट चेतावनी नहीं है। देखिए, अक्टूबर में हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बारिश हुई है, लगभग 95% आपके पास कह सकते हैं कि बिलो रेनफॉल रही है उसके आसपास। तो रेनफॉल चूँकि हुई नहीं, 2 अक्टूबर को मानसून विड्रॉल हो गया था और मानसून अक्टूबर के महीने में सुस्त रहा है हमारे पास। नवंबर में भी अभी तक कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं हुई।